डंडा में ही रखना, डंडा के बाहर मत देना। आईपीएल का नया सीजन आ ही गया है और हमें बेसब्री से इंतजार है उस प्लेयर का जो स्टंप के पीछे अपने मास्टर प्लान से गेम बदल देता है, लेकिन कैसे, चलिए उस खिलाड़ी के मुंह से ही सुन लीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो यार। शुरू करते हैं जडेजा के बॉल पर लगे उस सिक्सर से, जिस पर धोनी ने जड्डू को कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। दरअसल जडेजा के बॉल पर साउदी एक जोरदार सिक्स जड़ देते हैं, जिस पर स्टंप के पीछे से आवाज आता है। अब धोनी को कूल क्यों कहा जाता है ये भी आप सुन लो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा को चौका पड़ जाता है, जिस पर ईशांत धोनी से फील्ड में चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन धोनी उनको बोलते हैं कि तू बिंदास डाल। उसको मैं बुला लूंगा, तुझे अगर उधर डालना है तो डाल भी सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक मैच के दौरान उन्होंने जडेजा को भी बोला, अबे एक धीरे डाल दे, एक छक्का खा के दिखा। दोस्तों, यही बातें तो धोनी को कूल बनाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो धोनी से बेटर हैं। आईपीएल के एक सीजन में केविन पीटरसन कमेंट्री के दौरान मनोज तिवारी से बोले कि गोल्फ में मैं धोनी से बेटर हूं। इस पर पीटरसन ने धोनी से जवाब मांगा तो धोनी ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया कि सबको हंसी आ गई। एमएस धोनी की बताई हुई बातों को कोई खिलाड़ी अपने गेम में अप्लाई करे तो उसका रिजल्ट काफी शानदार निकलता है। न्यूजीलैंड के आखिरी जोड़ी को समेटने के लिए धोनी कुलदीप यादव से बोले, ये आंख बंद करके रोकेगा, ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा, तेरे ऊपर है, बीच वाले डंडे से। फिर कुलदीप ने बिल्कुल वैसा ही किया और बैट्समैन को स्लिप में रोहित के हाथों कैच करवा के न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। ऐसा ही एक बार आईपीएल में आरसीबी और सीएसके के खिलाफ भी देखने को मिला। धोनी जडेजा से बोले, इसको डंडा में ही रखना, डंडा के बाहर मत देना। सी पर कॉस्टली होता था, लेकिन अब सी से कंसिस्टेंट। और अगली ही बॉल पर जड्डू ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। फिर बारी आई डी विलियर्स की तो धोनी ने बोला, इस बारी भी धोनी की होशियारी काम आई और डी विलियर्स को भी सर जडेजा ने बोल्ड कर दिया। अब क्रिच में थे हर्षल पटेल, जिन्हें हिंदी आती थी, इसलिए धोनी मजाकिया अंदाज में बोले, दोस्तों अभी ये तो कुछ नहीं है, असली मजा तो अब आएगा। न्यूजीलैंड में ओडीआई मैच के दौरान केदार जाधव एक ऐसी बॉल डाले जो एमएसडी को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने केदार जाधव से हंस के बोला कि भाई ऐसा डालेगा तो रख ले तू। अरे वो नहीं, उसके डर से है तो फिर रख ले। ये तो था माही भाई का मजाकिया अंदाज, अब बारी है उनके गुस्से वाली आवाज की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ धोनी और मनीष पांडे इंडिया के लिए जरूरी साझेदारी करने में लगे हुए थे, तभी अंत के ओवरों में मनीष पांडे मैच से अपना कंसंट्रेशन लूज करते नजर आए। अब ये देखने के बाद अपने माही भाई को आ जाता है गुस्सा और मनीष पांडे को कुछ ऐसा बोल दिए जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब ये फनी था या गुस्सा, आप कमेंट करके बताओ। और हाँ, जब खिलाड़ी अपने मनमर्जी पे उतर आए तो धोनी जी का क्या रिएक्शन होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। एक टेस्ट मैच में श्रीसंत अपनी ही मर्जी से फील्डिंग किए जा रहे थे, इस पर धोनी रिएक्ट करते हुए बोले, ओ श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। और ऐसा ही टेस्ट मैच के दौरान बॉलर फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं कर रहा था, इस पर धोनी बोले, तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। धोनी का ये मास्टर प्लान सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।